अध्यक्ष जी, मेरा विपक्ष के सभी सम्मानीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर काफी सदस्यों ने सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। मुझे मालूम नहीं है कि विपक्ष को चर्चा करने देना नहीं चाहता। मेरा विपक्ष के नेता को आग्रह है कि चर्चा होने दे और इस महत्वपूर्ण मसले पर पूरे देश के सामने सच्चाई जाए, बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, माननीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार चर्चा करने को तैयार है। जो इस विभाग का मंत्री है वही चर्चा में भाग लेते हैं। नई परंपरा की मांग करना और सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना, ये देश और राष्ट्र के हित के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यगणों से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि जिन विषयों, जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, मुद्दों पर चर्चा कराएं, समाधान कराएं, ताकि हम सामूहिक चर्चा से एक बेहतर रास्ता निकालकर वहां की जनता की भलाई कर सकें। पुनः माननीय सदस्यों आग्रह करूंगा, अपनी अपनी सीट पर विराजे। सदन की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 25 जुलाई 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय सदस्यगण, आप दो तीन दिन से मणिपुर की चर्चा की बात कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी यहां पर आए, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि सदन के सामने आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह को सभापति द्वारा नामित किया गया है, यह बीन नेम्ड, और बाद में सदन के नेता श्री पीयूष गोयल द्वारा पेश किए गए और सदन द्वारा अपनाए गए एक प्रस्ताव पर उन्हें वर्तमान सत्र के शेष समय के लिए सदन की सेवाओं से निलंबित कर दिया गया। रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अनुसार निलंबित सदस्य तुरंत परिषद के परिसर से हट जाते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि श्री संजय सिंह अभी भी सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे तुरंत सदन से हटने का आग्रह करता हूं ताकि सदन की कार्रवाई चल सके। प्लीज, कोई पॉइंट, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज प्लीज, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नो पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज प्लीज। मैं आग्रह करता हूं माननीय संजय सिंह सदन से हटे, प्लीज। सदन को एक घंटे के लिए स्थगित किया जाता है। आप बैठे तो सही, प्लीज प्लीज बैठ जाइए, काम शुरू तो होने दीजिए। लेट अस स्टार्ट समथिंग, प्लीज प्लीज। माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखना चाहते हैं, वे 20 मिनट के अंदर अपने मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है, शेष को व्यपगत माना जाएगा। बैठिए बैठिए बैठिए, कुछ चर्चाएं होनी है, कुछ बिलों पर चर्चा होनी है, कुछ विधायी कार्य होना है जिसके लिए आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्लीज आप बैठिए, सदन को व्यवस्थित होने दीजिए। सभा की कार्यवाही 2:30 तक के लिए स्थगित की जाती है।